संतों ने कहा था हमसे कि इतना सा अभिमान तो था ही। यह सुना है, प्रमाण भी है भाई, लेकिन उसको तो यज्ञ इंपॉर्टेंट है, कथा उसका अंग है और उसका परिणाम हम लोगों ने देखा है। क्या परिणाम हुआ कि यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। अब ये और बात है कि ऋषियों को मन में आया, यार हमने यज्ञांग के रूप में इसको सुना, अरे हमारी आंखें और अंतःकरण सा धुआंकार हो गया इसको, वो एक अलग बात है, पीछे पछतावा, लेकिन परिणाम उसका वो नहीं निकला जो व्यास जी को परिणाम मिला नारद जी से सुन के। नारद जी भगवान के मन के प्रतिमूर्ति है। नारद हमारे कृष्ण के मन है, जहां कृष्ण का मन जाएगा वहां नारद जी पहुंच जाएंगे। व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हैं, व्यास जी माने जिन्होंने वेदों का संपादन किया है, वेद को सम्यक अध्ययन किया होगा तभी तो संपादन कर सकते हैं। देखा समग्र वेद आज एक एक बुद्धि में नहीं आ रहे हैं काल के कारण, लोगों की सामर्थ्य उतनी नहीं रह गई है तो इसलिए उन्होंने वेद को चतुर्धा कर दिया, कई लोग त्रिधा कहते हैं, चतुर्धा, और अपने विभिन्न शिष्यों को वो वेद दिए, तुम इस वेद की रक्षा करना, तुम इस वेद की रक्षा करना, इस वेद की रक्षा करना। रक्षा करने का मतलब अध्ययन अध्यापन की परंपरा रखना, जिसने वेद पढ़ाया पढ़ा है उसको वेद पढ़ाना चाहिए, नहीं तो दोष होता। चलो हम काहे को बताएं, जो जो दोष बताया गया वो काहे को हम बता दें। ब्रह्म राक्षस होता है, अगर पढ़ा नहीं सकता है तो जो पढ़ रहे हैं उनका सहयोग कर सकता है, उससे कुछ हो, लेकिन ये विद्या प्राप्त करो प्रदान करो, प्राप्त हुई है प्रदान करो, इसको संप्रदाय कहते हैं, संप्रदान। आपके वाला आजकल वाला संप्रदाय नहीं, नो डोंट मिस्टेक, इस तरह भारती नहीं, ये संप्रदाय बड़ी करुणा पूर्वक अपने शिष्य को प्रदान करो, करुणा या स्नेह पूर्वक, हाँ क्योंकि अपना पुत्र है ना, संतान है ना, तो संत को प्यार पूर्वक दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। तो श्री व्यास जी ने संपादन किया और अपने विभिन्न ऋषियों को ये दे दिया, उनकी शाखाएं की उनके प्रशिष्यों को दे दिया। फिर लगा अरे वेद के तो सब अधिकारी हैं नहीं, अभी अधिकारी और अनाधिकारी के विषय में तो अभी मेरे ख्याल से चर्चा करने का अवसर नहीं है, कभी मध्य में अवसर मिला तो बताएंगे। घी हर बर्तन में नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए बर्तन अलग चाहिए, उसकी तैयारी करनी पड़ती है, जो उस तरह तैयारी कर ली जाएगी कर लेगा तो उसको घी दे दिया जाए, घी या और कोई उत्तम वस्तु, पात्रता उसको कहते हैं। उस पात्रता की प्राप्ति के लिए संस्कार होते हैं,
उस संस्कार से जो संस्कारित है उसी में पात्रता है और उसी में आधान करने पे वस्तु सुरक्षित रहती है। अगर इधर उधर के बर्तन में तुम गंदे बर्तन में घी डाल दोगे तो घी भी खराब हो जाएगा। बिभ्यते अल्पशुतात् वेदा, तो वेद तो सबके लिए नहीं है। तब उन्होंने महाभारत की रचना की। अब पूरी महाभारत पढ़ जाए कितना समय लगता है। हम लोग जब छोटे थे घर में तो महाभारत पढ़ी होती थी हिंदी में, और हम कथा कहानी पढ़ते समय महाभारत की कथा कहानी पढ़ते थे और उसके संस्कार हमको उस समय से। अब घर में तो कई घरों में महाभारत रखी होगी, कई घरों में भागवत की हिंदी टीका रखी होंगी, कई घरों में रामायण होगी। जो बच्चे पढ़ सके इतनी अवेलेबल हो वो देखना पड़ेगा। हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो महाभारत पढ़ते थे, कहानी के रूप में पढ़ते थे, अब वो संस्कार पड़ गए, अब तक वो संस्कार सुरक्षित है। घर में उत्तम साहित्य रखो, वो जो हित करे उसको साहित्य कहते हैं। उत्तम साहित्य रखोगे तुम्हारी संतति उत्तम बनेगी, उनके संस्कार उत्तम बनेंगे। मैं ये कहने के लिए कहा था ये बात कि बहुत बड़ा ग्रंथ है और एक्चुअली उसको एपिक कहा जाता। उस एपिक के अंदर न जाने कितनी एपिक्स हैं। नरदमयंती शकुन, अरे कितनी है। शांति पर्व अपने आप में एक अलग वस्तु है, सनक सजाती अपने आप में एक अलग पर्व। महाभारत की रचना उन्होंने की है और वेद के सारे तत्व उसमें बताए गए। ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में नहीं है, इसीलिए प्रमाण रूप से कहा गया जो यहां नहीं, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, जो यहां है वही अन्यत्र दिखेगा। महाभारत सर्वांग है। महाभारत इतना महान ग्रंथ है, उसके लिए स्पेशल लेखक लाए थे गणेश जी को, महाभारत लिख दिया। सोचा इतना दुरु ग्रंथ है तो पुराण लिख दिए। वेदों का तात्पर्य समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना कर दी। योग शास्त्र के ऊपर भाष्य लिख दिया व्यास भाष्य। एक एक ग्रंथ अमर करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने इतनी ग्रंथ राशि की सर्जना की। इतना करने पर भी कहते हे भगवान मेरा ये करना सबका सब व्यर्थ हो गया। इतना परिश्रम हमने किया उसका कोई परिणाम नहीं है। हमने लोक के कल्याण के लिए इन ग्रंथों की रचना की थी। हमने यज्ञ आदि के विधान लोगों के कल्याण के लिए किए थे, कर्म के विधान जन कल्याण के लिए किए थे, और लोग उसका दूसरा अंश तो ले लेते हैं और बढ़िया वाला अंश छोड़ देते हैं। हाथ उठा के कह रहा हूं हमारी कोई सुनता ही नहीं। व्यास जी वाली हालत थोड़ी थोड़ी यहां भी है। कितना हित कर बातें बताओ कौन सुनता है। लेकिन चलो भगवान नाम कर लेते हो, एक ऊपर ही ऊपर गा लेते हो, धीरे धीरे तो अंदर जाएगा। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, कभी अंदर चला जाएगा तो
हो जाएगा काम, इसलिए गाया जाता है। तो बड़े दुखी थे कि हमने ये क्या किया, इसका परिणाम क्या हुआ, हमने काहे के लिए इतना श्रम किया, इसलिए वो दुखी थे, बड़े दुखी। बैठे बैठे सोच रहे थे कि हमने इतना श्रम किया, इसका परिणाम क्या हुआ। कोई संत मिल जाए जो हमको मार्ग दिखा दे कि मैं क्या करूं। जब इस तरह की तीव्र जिज्ञासा जागृत होती है तो गुरु अपने आप आते हैं। जिज्ञासु को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु अपने आप उसको दृष्ट होते हैं। और जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है, वो परमात्मा भी आके सामने खड़ा होगा तो उसमें देखेगा, अरे ये कैसा है। जो सर्वज्ञ है, जो सर्व समर्थ है, वो स्त्री के लिए इतना, जो आत्मा राम है वो औरत के लिए ऐसा रो रहा है। सर्वज्ञ है, हमारी बीवी कहां गई है पेड़ पौधों से पूछ रहा है। संतन का पर्यटना जोई, गृह जन का उपकारक होई, आचार्य श्री श्रीमद गोपाल विलास में कहते, उसका पाठ करना चाहिए। पहले के पुराने कार्षणी तो अवश्य पाठ करते थे, मॉडर्न कार्षणी थोड़ा अच्छे हो गए, क्योंकि पहले उनके पास टाइम हुआ कर, तब तो मोबाइल से फुर्सत मिले, तब तो गोपाल विलास देखे वो, अरे बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है, हम अपनी अनुभूति बता रहे। हमने लोगों से कहा, अपने गुरु लोगों से, कि मेरे हाथ से मोबाइल छीन लेना, छीन लेते, अरे उसमें ऐसे एडिक्टिव प्रोग्राम आते, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा महाभारत की तरह। वो देख लेते कि तुम्हारी रुचि किसी तरह की है और उसी तरह का प्रोग्राम तुम्हारे सामने कर देते हैं, और उसको तुम देखने लगो, जिज्ञासा ऐसी उत्पन्न हो जाती कि छूटता ही नहीं। दो चार दिन हम तो बड़ा अच्छा लगा पहले, फिर हमको लगा यार इज वेरी गड़बड़, ये तो फंसा लेगा हमको। तो मैंने इन लोगों से कहा, अपने गुरुजनों से, भैया मेरे हाथ से मोबाइल छीन लेना, जब हम ये देखें, बड़ा एडिक्टिव है, नशा है, छूटता ही नहीं। ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम वो देते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है, उसके लिए बड़ी रिसर्च करते हैं, बड़ी टीम है उनकी, बड़ा कठिन है। हे बाप रे बाप, मोबाइल को। और माताओं ने अपना सिर दर्द कम करने के लिए छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा, ले जा, तेरा नाश हो तो हो, मेरे को फुर्सत मिले, मैं तो लिपस्टिक ठीक से लगाऊं। केवल आंखें और ब्रेन के कोमल टिश्यू नहीं खराब होते हैं, संस्कार भी खराब होते हैं। इसका रेडिएशन आज जो चश्मा लगने लग गए हैं इतने, वो क्यों लग रहे हैं? रेडिएशन हर्ट्स। बच्चों के अंग टेंडर हैं, कोमल हैं, वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं रेडिएशन से, उनमें हानि होती है। करह जाई जो सूझे, हमने कह दिया है। और केवल यही नहीं, उसके कारण बचपन से ही संस्कार भी विकृत होते हैं। बच्चों को सत संस्कार देने चाहिए, आप अपने विलास के लिए, अपनी फुर्सत के लिए उनको गलत संस्कार दे रहे हो। माता पिता बैरी हुए, जिन न पढ़ाए बाल, वो माता पिता वस्तुतः अपने संतान के शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सत संस्कार नहीं दिए। सबसे पहले संस्कार संतान को
अपनी माता पिता से मिलते हैं। माताओं के ऊपर तो और ज्यादा जिम्मेदारी है। संतान जब गर्भस्थ हो तो भी उसको उत्तम संस्कार देने चाहिए। प्रहलाद ने, अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही विद्याएं सीखी, संस्कार प्राप्त किए। इसलिए पहले गर्भवती स्त्री को प्रायः करके घर की बड़ी बूढ़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने, अच्छा सुनने, सत्संग के लिए प्रेरित करते थे कि संतान सत्संस्कार वाली हो। माता पिता अपने आचरण को बदलते हैं, बच्चे कहीं हमसे गलत न सीखें। बच्चों से कहें, वो अंकल आए उनसे कह दो पापा बाहर गए हुए हैं, आपने अपनी सुविधा के लिए बच्चों गलत संस्कार डाल दिए। झूठ बोला जा सकता है ये तुमने सिखा दिया। गलत संस्कार न पड़े इसकी चेष्टा करनी चाहिए। मोबाइल से इट्स वेरी एडिक्टिव, जो लोग एडिक्शन हो गया है वो कैसे छोड़ेंगे हमको मालूम नहीं है। हम तो बच गए साहिब कृपा से, दो चार दिन में बच गए। अरे दो दो घंटा लगे रहते रहे हमारे पास, दो घंटे का टाइम, या थोड़ा दो घंटे से कम होगा लेकिन बहुत टाइम छिनवा दिया। ठीक है टाइम हमारे लोग, महाराज वो मोबाइल ले आऊँ आपके लिए, वो ले आऊँ। अरे मैंने कहा बिल्कुल मत लाना, मेरे लिए तो SMS और बस कॉल करना होता, व्हाट्सएप वगैरह सबने हटा दिया। अरे कहते महाराज आप व्हाट्सएप रख लो हमको सुविधा। मैंने कहा तुम्हारी सुविधा के लिए मैं अपनी आफत क्यों करूं। खैर ये तो मैं अपने लिए कर। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ समय सत साहित्य के अध्ययन में अवश्य लगाना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, ये सबके लिए निमंत्रण है। सदा सत्संग कहा गया है, पद सरोज अनपायनी भक्ति एंड सदा सत्संग, सदा सत्संग चाहिए। महाभारत इत्यादि हमने बचपन में पढ़ लिए थे, अब उसके संस्कार थोड़े आज काम आ रहे हैं। बहुत कुछ पुराणों की पुराण कथाएं हम पढ़ते थे, लेकिन श्री व्यास जी को संतोष नहीं है। दुखी हैं, प्रार्थना करें जरा मनी दिया बांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हमारे पठानकोट वाले बड़े प्यार से गाते हैं, मैं गाऊंगा नहीं ना, वो तो होने ही शुरू कर देंगे। जरा मन दिया बांगा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वाह मिलता है, जो हमारे मन की लगाम को थोड़ा इधर से इधर कर दे, इत्थों पुटके इत्थे ला दे, ऐसा कोई संत। तो नारद जी वहां पहुंच गए अनइनवाइटेड। ये संत, संतन का पर्यटना जोई, गृहजन का उपकारक होई, नर का अंतर तम अपहारी, विज्ञ साधु नहीं रवि नभिचारी। श्रीमद गोपाल विलास का पहले सब कार्य लोग पाठ करते थे, अब मोबाइल आने के बाद थोड़ा टाइम नहीं मिलता है। मतलब चाहते तो बहुत है कि हम रोज पाठ करें, गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें, विश्वास नाम का पाठ करें, बहुत मन करता है। रामायण का पाठ करें, गोपाल व्यास, ये सबका बहुत मन करता है। वो हमारे महंत जी थे वहाँ, देखो कहते TMA नहीं है। हम क्या करें, हमें लगे TMA नहीं है, तो TMA नहीं है कि गोपाल विलास का पाठ करे, ये रामायण का पाठ करे। टाइम इज लॉस्ट,
समथिंग, यू लूज समथिंग. क्षण और कण अगर इनका सदुपयोग नहीं किया गया तो हानि अपनी होती है. एक एक क्षण का सदुपयोग करो. तो गोपाल विलास का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करो, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करो. जिनको नहीं आता हिंदी में लिखा गया है कृष्ण सहस्रनाम का पाठ करो. हिंदी में कृष्ण सहस्रनाम ये अपने आप प्रकाशित हुआ है, पाठ करो. तो उसमें लिखा है संत लोग जो परिभ्रमण करते हैं वो ग्रह जनों के ऊपर जो रह रहे हैं उनके ऊपर उपकार करने के लिए. जो अंदर का अंधकार है जीव का उसको ये सूर्य मिटा नहीं सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाता है. नत सूर्यो भाति जहां वो है. तो उसके लिए लिखा है विज्ञ साधु, जो विद्वान श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो अंदर का अंधकार जो है उसको क्या है. ये भी पठानकोट आज हमको याद आ रहा है, मेरे सदगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा गाते हैं. जब मैं जाता हूँ सुनाते हैं, इतने प्रेम से गाते हैं, बहुत ही अद्भुत. सदगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा. तो अंदर का अंधेरा संत सदगुरु ही निवृत्त कर सकते हैं. और कृपा पूर्वक आते हैं, कृपा पूर्वक नारद पधारे और उनसे जिज्ञासा की. नमस्कार पुरस्कार कह गए, व्यासी आपके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ रही, क्या बात है. कृष्ण का दास कभी ना हो उदास. तुम उदास क्यों, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े आचार्य, कृष्ण की विभूति, भगवान की विभूति है व्यास जी, हम लोग शिक्षण के लिए. तो फिर व्यास जी ने अपनी समस्या बताई कि महाराज हमने वेदों का संपादन किया, महाभारत लिखी, पुराण लिखी, इतिहास लिखे, ब्रह्मसूत्र का पढ़न किया, व्यास भाष्य लिखा, सब कुछ किया. मैं देख रहा हूँ मेरी इस मेहनत का, मेरे इस परिश्रम का कोई फल नहीं दृष्ट हो रहा है, मुझे खेद है. मैंने क्या कमी की है, ये खेद बहुत आवश्यक. उपनिषद में नारद जी को इस तरह खेद हुआ है, शरद कुमार ने उनको फिर उपदेश दिया है, मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है. अरे उतनी विद्याओं का नाम उन्होंने लिस्ट दी है तो हम तो उतनी विद्याओं के नाम भी जान ले तो बहुत है. तो संत का तो व्यास जी ने कहा, व्यास जी को श्री नारद जी ने कहा तुमने परिश्रम तो बहुत किया, धर्मशास्त्र इत्यादि का विवेचन तो बहुत हुआ है, लेकिन तुमने कृष्ण लीला का उस तरह से वर्णन नहीं किया है. उनका बड़ा सब भगवान की लीला था, कहते नहीं, जिस तरह से भगवान के चरणों में लोगों की भक्ति बढ़े उसकी प्रेरणा आपने नहीं दी है. नारद जी को प्रसाद मिला है अपने गुरु से, यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वस्मिन अखिलाधारे इत संकल्प वर्णे. नारद तुम वर्णन करो लेकिन तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि सबके हृदय में भक्ति
जगे भगवान श्री कृष्ण। और वही नारद जी ने प्रॉमिस किया भक्ति से, जब उनके दर्शन हुए थे वहां, कि गेहे गेहे जने जने, जब तक तुमको नहीं बैठा दूंगा तब तक मैं हरि का दास नहीं हूं, मेरे नारदत्व का, मेरे हरिदासत्व का तात्पर्य यही है कि गेहे गेहे जने जने तुमको स्थापित। वही अपना अनुष्ठान यहां वो प्रयोग कर रहे हैं। श्री व्यास जी को उन्होंने कहा कि तुम भगवान की भक्ति का प्रचार करो, ऐसी कोई रचना करो जिसमें ज्ञान और वैराग्य सहित भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, इसकी प्रेरणा।